दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ब्लॉक्ड पाइप क्लीनिंग करने का तरीका बताऊंगा। यहां पे आप देख लीजिए ये किचन का दोस्तों नीचे का जाली जो है ड्रेन जाली, इसमें से पानी नहीं जा रहा है। जब मैं सिंक में पानी यूज करता हूँ तब आप देख लीजिए जैसे ही वहाँ पर पानी चालू किया दोस्तों इसका जो ड्रेन है ये जाम हो चुका है और यहाँ से पानी नहीं जा रहा है और पानी ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में अगर किचन का खास करके इस टाइप से कहीं कभी फ्लो ट्रैप जाम हो जाता है आपका ड्रेन पाइप का, उसको कैसे क्लियर करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों जो भी पानी है सबसे पहले आपको पानी सुखा कर हाथ अंदर घुसा कर आपको देख लेना है। अगर कुछ कचड़ा होगा तो वो सबको आपको दोस्तों निकाल लेना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर किचन का खास करके दोस्तों पाइप ब्लॉक्ड होता है ना तो उसमें काफ़ी सारा यहाँ पे तेल टाइप का ये मिलता है, तो इसीलिए बहुत जल्द वहाँ पे चौकअप हो जाता है। तो उसको चौकअप उसका क्लियर करने के लिए आपको मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ऐसे करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाला है। यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट से आपको दोस्तों कास्टिक सोडा ले लेना है, जैसे मैं लेकर आया हूँ लगभग 250 ग्राम इसमें कास्टिक सोडा है और इसको मैं इस फ्लोर ट्रैप के अंदर डाल दूँगा। ये आप देख लीजिए और आगे आपको बताऊँगा किस टाइप से काम करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको डालने के बाद में ये आप देखेंगे अंदर दोस्तों उबलना चालू हो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है और अंदर जो भी चर्बी टाइप का रहेगा तो ये सबको ये निकाल फेंकेगा। और इसके बाद में आपको पानी गर्म करके लाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इतना सारा पानी लाया हूँ गर्म करके और इसमें डालूँगा और अभी आप देख लीजिए कितना ये तेज़ी से काम करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे तो अंदर ये बहुत ज़्यादा खौलने लगेगा और आपका जो भी हार्ड ब्लॉक्ड है ना वो निकाल फेंकेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए किस टाइप से उबल रहा है और बहुत मतलब क्या है ये, खास करके आप इसमें गर्म पानी से यूज करिएगा, इसमें ऐसे गलती से भी नहीं डालिएगा इसके साथ में, नहीं तो आपका दोस्तों बदन जो है वो डैमेज हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है कास्टिक सोडा और एसिड का। यहाँ पर आप देख लीजिए किस टाइप से उबल रहा है। अब जो भी अंदर जितना भी ऑयली कचरा होगा वो निकल जाएगा, चर्बी टाइप का या फिर ऑयल टाइप का जो भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना क्विकली काम किया। अब मैं ये सब को जो है पानी चालू कर दिया हूँ और दिखाऊंगा कितना तेज़ी से अब पानी जाने लगा ड्रेन पाइप में। ये आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है और बहुत क्विकली पानी जा रहा है ड्रेन पाइप के अंदर से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में अगर आप नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे मैं एक बॉल में पानी भरकर इसमें पूरा डालूँगा और देखते हैं कितना क्विकली जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से अंदर तक जो है ड्रेनेज लाइन साफ़ हो चुका है। तो इस टाइप से आप अपने भी घर का दोस्तों अगर प्रॉब्लम है आप साफ कर सकते हो कास्टिक सोडा के थ्रू। खास करके अगर किचन का लाइन ऐसे ब्लॉक्ड होता है तो वहाँ पर कास्टिक सोडा डालना ज़रूरी है। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।